तो हम आज आपको लेकर चल रहे हैं द बंकर हाउस, चोपता ट्रैक का मस्ट विजिट कैफे। हम ट्रैक अपने स्टार्ट करने जा ही रहे थे कि हमारी नज़र पड़ी इस कैफे पे। दैट वाज टू अट्रैक्टिव आई वुड से। कैफे का एम्बियंस वाज वेरी नाइस, मतलब जैसे इन्होंने डेकोरेट किया था पिक्चर्स के लिए, तो इट वाज वेरी अप टू द पॉइंट। बुक शेल्फ भी था यहाँ पे, इवन बुक्स भी वर वेरी नाइस। एंड अगर आप बुक लवर हो तो इट इज़ अ नाइस प्लेस टू गो। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट जो था इनका, इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल, मतलब मैं तो ईजिली बैठ गया आराम से कम्फर्टेबल होके। सारी चीज़ें सही लगी मुझे, और सबसे अच्छा था इनका व्यू, इट वॉज वेरी अमेजिंग। मैं तो सारे फ्रेंड्स ने सारे क्लिक करा लिए, वैसे पहले तो मैं डर गया, मतलब आई हैव पेट, बट यार दूसरों के पेट से तो डर लगता ही है, क्या पता काट ले। ओके, तो अब बात करते हैं खाने की। खाना मतलब पराठे पहले तो हमने ऑर्डर किए, टेस्टी थे, अच्छे लगे। बट फिर जो हमने मैगी ऑर्डर की, दैट वॉज इन नाइस। हमने चीज़ मैगी ऑर्डर की थी, एंड आई थिंक आई शुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर चीज़ मैगी इन दिस कैफे, बट पराठे तो इट वॉज डिलीशियस। चाय भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब मुझे मोस्टली चाय नहीं पसंद आती बाहर की, बट ये काफ़ी अच्छी थी चाय। और जैसे मैंने सर्व किया था कुल्लड़ में, वो चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव थी। Okay, so we are trying this Maggi. Shubham, कैसा लगा कैफे? बहुत अच्छा। इवन वर्णित तुम्हें क्या कैफे? बहुत सेक्सी, बहुत बेहतरीन, मुझे भी अच्छा लगा। बटी कैफे के बाहर तो फोटो ज़रूर ही लेना, बहुत ही अच्छा व्यू है, मतलब बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एस्थेटिक है। एस्थेटिक की अगर आप 14 हैं तो डेफिनेटली लेना फ़ोटोज़ यहाँ पे, एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के बाद और अच्छे लगेंगे। मुझसे पूछो आई हैव पोस्टेड देम ऑन इंस्टा। ओके, इट वॉज़ नाइस एक्सपीरियंस।